वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है, ठीक है बच्चा। तो आपको पता है अगर कोई भी आपकी नई वैकेंसी आती है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूं, सही और सटीक जानकारी दूं। तो ये वैकेंसी बेसिकली आपको भोपाल मेट्रो की तरफ से देखने को मिलेगी। आपको पता है भोपाल जो है आपका मेट्रो सिटीज में से ही एक है। तो यहाँ पर बच्चा आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर, आप लोग मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पर ये वेबसाइट पर ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। किस किस पोस्ट के लिए है, कब से अप्लाई कर सकते हो, एज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आपकी जो फॉर्म फिलिंग है, मैं इसको और थोड़ा सा यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 31 अगस्त से शुरू, बेसिकली आपकी 31/7 यानी कि आपकी 31 जुलाई से शुरू हो जाएगी, 31 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो पोस्ट नेम एंड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी। अब देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी आई है और साथ ही साथ सैलरी क्या है, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो बच्चा पोस्ट कोड आपका देख सकते हो आप लोग, सुपरवाइजर ऑपरेशन में जो आपके सुपरवाइजर होते हैं उसमें आपकी 26 पोस्ट आई है। यहाँ पर वर्टिकल वाइज आपका जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए लिखा हुआ है। सैलरी अच्छी खासी है, 33,000 से लेकर 1,00,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पर मिलेगी, इंसेंटिव अलग से होते हैं। अब इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यदि आपके पास में बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग और बीएससी ऑनर इन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कुल मिला के यदि तुम्हारे पास में कोई भी टेक्निकल डिग्री है, ध्यान से सुनना, यदि तुम्हारे पास में कोई भी टेक्निकल डिग्री है, बीटेक है, बीएससी है, फिजिक्स से, मैथ्स से, केमिस्ट्री से, ऑनर से यदि आपके पास में, या फिर बच्चा आपके पास में क्या है इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग आपकी 31 तारीख से शुरू हो जाएगी। A1 यहाँ पर आपका मेडिकल कैटेगरी इन्होंने मांगी हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी पोस्ट पर आते हैं। दूसरी पोस्ट है आपकी बच्चा सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक। यहाँ पर 7 पोस्ट निकली है, 33,000 से लेकर 1,00,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। इसमें आपका 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा है, किस किस में, यदि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में यदि आपके पास में 3 साल का कोई डिप्लोमा है या आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, बायो बीएससी वाले ऊपर वाली पोस्ट के अप्लाई नहीं कर सकते, B1 आपका मेडिकल मांगा गया है। अगली पोस्ट है मेंटेनर सिग्नल एंड टेलीकॉम रोलिंग की, 10 पोस्ट है, 20,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी बनेगी। अब सुनिए इसको ध्यान से, क्योंकि ये वाला बच्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। यदि आप 10वीं पास है और आपके पास ITI है, 10वीं पास और ITI है NCVT SCVT में इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक ट्रेड, यदि आपने ITI किया है किस किस ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक्स में, फिटर्स में, रेफ्रिजरेंट एंड एसी में, या फिर बच्चा आपका रेफ्रिजरेटर है, मैकेनिक फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मेडिकल आपका B1, 10वीं पास है, ITI किया हुआ है आपने कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स में, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर्स एंड जो भी आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना जितनी नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है उतना ही कंपटीशन भी कम होता है, स्पेशली जो MP भोपाल या उसके आसपास वाले बच्चे हैं वो ये फॉर्म जरूर भरेंगे। फॉर्म की फीस वगैरह सब बताऊंगी। अगला है आपका क्या बच्चा, सुपरवाइजर ट्रैक्शन E&M, यहाँ पर आपकी 8 पोस्ट है, सैलरी 33,000 से लेकर 1,00,000 तक, मेडिकल B1 मांगा गया है। इसमें यदि आपके पास में कोई 3 साल का डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग की डिग्री है, किस किस में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसकी, सुपरवाइजर के लिए। अगली है मेंटेनर की पोस्ट, मेंटेनर की पोस्ट के लिए यदि आप 10वीं पास है और आपके पास ITI है किस किस स्टेट में, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर्स, रेफ्रिजरेटर एंड एसी, मैकेनिक फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेंटेनर की पोस्ट के लिए मेडिकल आपका B1 है, मेडिकल बच्चा आपका B1 है। आगे बढ़ते हैं, अगली फिर से आपकी सुपरवाइजर की है, 2 पोस्ट है, सैलरी 33 से 1,00,000, 3 साल की इंजीनियरिंग या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, लेकिन इस सुपरवाइजर ट्रैक पर कोई पर्टिकुलर, यहाँ पर आपका अगर मैं आपसे बात करूँ ट्रेड की, तो उन्होंने लिखा हुआ है इन सिविल डिसिप्लिन, मतलब जो सिविल वाले बच्चे हैं वो सुपरवाइजर ट्रैक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल B1 बिना ITI इंजीनियरिंग के डिग्री के अप्लाई नहीं होगा, ये आप किसी भी उसमें नहीं मिलेगा आपको। अगली बच्चा आपकी मेंटेनर इन ट्रैक, 15 आपकी पोस्ट है, 20,000 से 60,000, सेम 10वीं पास, ITI, इन फिटर वाले जो बच्चे हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मेंटेनर ट्रैक के लिए। मेडिकल आपका B1 मांगा गया है। अगली पोस्ट है आपकी सुपरवाइजर इन वर्क्स, 33,000 से लेकर 1,00,000, आपकी सुपरवाइजर की 33,000 से लेकर 1,00,000 सैलरी जा रही है, सेम आपका कॉन्सेप्ट है, यदि आपने सिविल में इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके जी, क्लियर। फिर उसके बाद बच्चा आपकी नेक्स्ट बच्चा आपकी स्टोर असिस्टेंट और सैलरी है 25,000 से लेकर 80,000, यदि आपके पास में बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यदि आप C1 मेडिकल में भी आते हैं तो भी आपके पास में पोस्ट है एक स्टोर असिस्टेंट की, 25,000 से लेकर 80,000 आपकी सैलरी बनेगी, और इसमें आपके पास में कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री चलेगी, मतलब आपने बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है किसी भी ट्रेड में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चा आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली है आपकी पोस्ट एचआर की सैलरी 25 से 80,000, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट मांगा है, यानी यदि आप सिर्फ ग्रेजुएट है, बीकॉम, बीएससी, बीए है, तब आप इस एचआर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, C1 मेडिकल भी यहाँ पर आपका चलेगा। अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की यदि हम बात करें, सैलरी 25,000 से लेकर 80,000, पहले भी बताया था अकाउंट या फाइनेंस की बात हो तो आपसे बीकॉम मांगा ही जाएगा, बीकॉम, एमकॉम यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और C1 मेडिकल आपका यहाँ पर चलेगा। बाकी और कुछ डिमांड और भी की हुई है, आप देख सकते हो, कॉमर्स वाले बच्चे और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है बच्चा आपकी, 88 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, यदि आपसे बात करूं 88 बच्चा आपकी पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूरा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही बच्चा हम लोग डिस्कस करते हैं। एज की यदि बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम आपकी 28 साल, बाकी SC ST OBC को वही 3 साल और 5 साल का रिलेक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि बाकी सारी आपकी जॉब्स में आपको मिलता है। फिर उसके बाद बच्चा यदि आपसे और डिटेल में बात करूं, NOC देखा जाता है कि मेट्रो के अधिकतर बच्चे वो फॉर्म भरते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर काम कर रहे हैं, पहले सरकारी नौकरी में लग गए, भैया एसी की नौकरी रहेगी आपकी, बढ़िया नौकरी होती है मेट्रो वाली, है ना, अधिकतर वर्क इसमें एसी वाला होता है आपका। तो यहाँ पर एक यदि आप किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो फॉर्म अप्लाई करते हुए बच्चा आपको एक NOC सबमिट करना होगा कि भैया मेरे डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है यदि मैं आपका ये पोस्ट को ज्वाइन करता हूँ, जब आप DV के लिए जाए तो ये NOC आपके पास में होना चाहिए। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न लगभग सेम है, बस एक में आपको 2 पेपर देने होंगे, सुपरवाइजर ऑपरेशन की जो है उसमें एक CBT होगा, दूसरा CBAT होगा, CBAT नेचर में क्वालिफाइंग है, फिर DV और मेडिकल टेस्ट, बाकी सबके लिए आपका बच्चा CBT होगा और सिर्फ आपका DV और मेडिकल टेस्ट होगा, सिर्फ एक पोस्ट है जहां पर आपके 2 लेवल आपको क्रैक करने पड़ेंगे, बाकी और किसी के लिए नहीं है। फॉर्म कहां पर जाकर भरेंगे, www.mpmetrorail.com पर, www.mpmetrorail.com पर जाकर बच्चा आप लोग फॉर्म भरेंगे। क्लियर जी, तो ये आपको मिल गया,
बाकी फोटो वगैरह दिखा लिखा हुआ है कि फोटो वगैरह आपको ऐसे ऐसे भरना है, और एग्जाम कहां कहां पर होगा ये भी आपका लिखा हुआ है कि सीबीटी कहां कहां पर होगा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन, यहां पर बच्चा आपके एग्जाम सेंटर, इन्होंने प्रेफरेंस दी हुई है, इनमें से कोई तीन सिटी आपको अपने हिसाब से चुननी होगी जो भी आपको बेहतर लगे। फीस जनरल कैटेगरी के लिए 590 रुपए और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 295, ओबीसी के लिए भी बच्चा आपके 590 रुपए है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। ये लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीबीएटी के लिए साफ साफ देख सकते हो कि आपका नेचर में क्वालिफाइंग होगा, यानी आपको 42 नंबर यहां पर 30 स्कोर ऑफ 12 मार्क्स, मतलब 42 नंबर आपको लेकर आने होंगे, और बाकी समय है नहीं, बाकी भाई आपको कोई चोरी नहीं करनी, कोई गलत नंबर नहीं होना चाहिए, कुछ लेकर नहीं जाना है आपको, आपका जो कॉलिंग लेटर वगैरह आएगा वो सब मेल पर आएगा, ये सारी चीजें यहां पर बच्चा आपको लिखी हुई है। तो उम्मीद करती हूं इस तरह की बच्चा आपकी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, भाई फॉर्म का मुझे तो अभी तक